ये ड्राइंग मैं स्पेशली इसको जो है टीचर्स डे के लिए बना रहा हूँ। ये थोड़ा देखने में आप सबको अटपटा सा लगेगा कि ये है क्या चीज़। एक्चुअली क्या है कि मैं यहाँ पर एक जो टीचर है, टीचर को कुम्हार के रूप में दिखा रहा हूँ। देखिए क्या है, टीचर की जो रोल जो होता है सोसाइटी में, बिल्कुल जो होता है कुम्हार की तरह। एक जो कुम्हार यानी पॉटर जो एक मिट्टी को एक आकृति देता है। देखिए यहाँ पर मैंने क्या कच्ची मिट्टी यहाँ रखा हुआ है, इसको एक आकृति देता है, घड़ा सुराही या कुछ आकृति देता है। यही रोल जो है हमारे सोसाइटी में टीचर का भी होता है। ये क्या करता है, इंसान को जो छोटे बच्चे जो रहते हैं, स्टूडेंट होता है, उसको आकार देता है। आकार कहने का मतलब इंसान तो इंसान जैसा ही दिखेगा, लेकिन एक उसका ओहदा मिलेगा, एक उसको जब पोस्ट मिलता है, कोई इंजीनियर बनता है। देखिए मैंने कुछ हल्का स्केच करके रखा है, किसी को इंजीनियर बनाया जाएगा, किसी को डॉक्टर, कोई आईएएस ऑफिसर, कोई पायलट, या जो सोसाइटी में जो ऊंचे ऊंचे पद में जो जो इंसान आते हैं, इसको बनाने वाले टीचर होते हैं। इसी चीज़ को मैंने इस पेंटिंग के थ्रू दिखाने का कोशिश किया है। इसे बनाने के लिए कुछ तो ह्यूमन स्ट्रक्चर की जानकारी का तो ज़रूरत तो पड़ता ही है, जो अभ्यास के थ्रू ही पॉसिबल है। इसे मैंने बहुत हार्डली, बहुत मुश्किल से 2 मिनट में मैंने बनाया। इसलिए बना पाया क्योंकि मुझको ह्यूमन एनाटॉमी का पूरी तरह से नॉलेज है। हाँ, इसमें थोड़ा सा जानबूझ के प्रोपोर्शनल को कम मैंने किया है, कि मैं यहाँ पर वरीयता जो दे रहा हूँ, मेरा मेन जो बनाने का प्रायोरिटी है वो टीचर, और मैंने टीचर को एक मॉडर्न के रूप में दिखाया है। एक होता है ट्रेडिशनल टीचर होता है, पारंपरिक जो गांव देहात में होते हैं, कि एक टीचर होगा, धोती पहना हुआ होगा, गंजी पहना हुआ होगा, तो वैसे ना दिखा करके मैंने यहाँ फुल पैंट शर्ट पहना हुआ, जूता पहना हुआ दिखाया, जो एक आज कल के छोटे बच्चे का एक टीचर के रूप में जो स्कूल में जाकर देखते हैं। तो मैंने फुली इसको मॉडर्नाइज रूप में करते हुए दिखाया है। ये मैंने पीछे एक स्कूल बनाया है, पीछे स्कूल है, इसके भी पीछे एक कॉलेज मैंने बनाया है, और ये स्टूडेंट सब यहाँ से बाहर निकल के आए हैं। आपको तो वीडियो में थोड़ा हल्का दिख रहा है, मैं इसको देखिए मैं आपके सामने कैसे इसको कम्प्लीट करता हूँ। देखिए एक स्कूल मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये स्कूल का डोर हो गया, और ये विंडो है, विंडो में भी पर्सपेक्टिव। देखिए ड्राइंग बनाते समय चाहे भले इसका विषय जो भी हो, लेकिन एक बेसिक नॉलेज जो होता है, पर्सपेक्टिव हो गया, रिदम हो गया, ह्यूमन एनाटॉमी का नॉलेज, ये सब जरूरी ही होता है। इसको नेचुरल लुक दिखाने के लिए देखिए यहाँ पर्सपेक्टिव का मतलब है कि देखिए कि ये जो सामने वाला विंडो थोड़ा बड़ा दिखेगा, दूर वाला छोटा, इससे छोटा, इसके पीछे कॉलेज है तो ये और भी छोटा दिखेगा। तो ये सब जितना भी नॉलेज है इसको यूज आपको करना है, जो कि इसके बारे में, ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में और भी वीडियोज आपको हमारे ऑनलाइन क्लासेस में या फिर आपको यूट्यूब में ही आपको मिल जाएगा। अगर आपकी इच्छा हो कि आपको ह्यूमन एनाटॉमी सीखना है, तो आप मुझे जो है इस वीडियो में कमेंट कीजिए कि ह्यूमन एनाटॉमी सीखना है, तो मैं इसके लिए सेपरेटली मैं एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें ह्यूमन एनाटॉमी का पूरी तरह से उसमें आपको नॉलेज दिया जाएगा। नॉलेज देने का मतलब है कि फेस कैसे बनता है, बॉडी कैसे बनेगा, हाथ पैर कैसे बनेगा, अलग अलग ड्रेसेस में बॉडी कैसे बनेगा, अलग अलग एक्शंस में कैसे बनेंगे, ये सब जितना भी चीज़ है ये हमारे ह्यूमन एनाटॉमी कोर्स में आता है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो एक बार ज़रूर आप उसमें जो आप लोग कमेंट करिएगा, तो मैं स्पेशली मैं इसके लिए वीडियो बनाऊंगा। हालांकि ऑनलाइन क्लासेस में वीडियो अवेलेबल है, लेकिन वो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसमें भी आप आ सकते हैं, अदरवाइज मैं यूट्यूब में भी लाऊंगा कुछ दिनों में। देखिए ये स्कूल कंप्लीट हो गया, मैंने ABC जानबूझ के नाम दिया, क्योंकि ये कोई पर्टिकुलर स्कूल नहीं, ABC एक जो है बिगिनिंग का स्कूल है, तो ABC बोल दिए। XYZ है तो लास्टली फाइनली कहीं से हम लोग जहाँ से डिग्री लेके आते हैं कॉलेज है, तो XYZ कॉलेज हो गया। इसको सिम्बॉलिकली ज़्यादा दिखाया गया है। देखिए सिर्फ इसमें लाइंस का यूज है, सीधी लाइंस हो गया, कर्व लाइन हो गए। देखिए ये जो मैंने गोल जैसा घुमा दिया, इस लाइन को कर्व लाइन बोलते हैं। इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको अदर्स वीडियो में आपको मिल जाएंगे। ये विंडो बना दिया, विंडो बनाने के लिए देखिए कितना इजीली बन रहा है। एक स्क्वायर या रेक्टेंगल बना दीजिए, इसके बीच में लाइन खींच करके इसके रेलिंग्स बना दीजिए। यहाँ पर भी आप जो है रेक्टेंगल शेप आप बनाते जाइए। देखिए ये
मैंने रेक्टेंगल बनाया, रेक्टेंगल के ऊपर एक और रेक्टेंगल, ये क्या है कि बॉर्डर है, एक बॉर्डर है ये। अब ऊपर में भी विंडोज़ है, विंडोज़ जो है विंडोज़ के पीछे में, आप तो समझ रहे होंगे, विंडोज़ के पीछे में क्लासेस है। फिर एक और फ्लोर अब मैंने बना दिया, बस सिर्फ लाइन का खेल है ये, एक विंडो, दो विंडो, तीन विंडो, ऐसे बीच में थोड़ा सा पार्टीशन भी है, उसके बाद दूसरा क्लासरूम है इधर, ये सब मैंने बना दिया। इसके रेलिंग्स भी बना दीजिए, बस सिर्फ लाइन का खेल है। देखिए यहाँ पर ये मैंने बनाया है एक्स वाई जेड कॉलेज, ये रास्ता हो गया है, इसके पीछे में भी है ये। अब यहाँ पर अदर स्टूडेंट्स को बनाऊंगा, जो कि ये बना करके रेडी कर चुका है ये। देखिए इस पहले तो मैंने हल्का स्केच बना लिया है, सिर्फ आपको वो करके दिखा रहा हूँ। देखिए पहले फेस बनाया जाता है, जैसे आउटलाइन भी अगर आपको करना है तो पहले फेस से ही शुरुआत करेंगे। और मैंने जानबूझ करके ये एक डिग्री जो दिया जाता है यूनिवर्सिटी में, इस तरह का ड्रेसेस एक पहना करके दिया जाता है कि फाइनल डिग्री जब दिया जाता है तो ऊपर में एक इस तरह का टोपी पहनाया जाता है। ये अंग्रेज़ों के ज़माने में भी होता था और इंडिया में भी आज भी इस तरह का ट्रेडिशन है कि जब आपको कोई यूनिवर्सिटी डिग्री दिया जाता है तो इस तरह का एक ड्रेस पहना दिया जाता है, ऊपर में एक इस तरह का टोपी दे दिया जाता है। और देखिए मैंने यहाँ पर हाथ को फोल्ड किया हुआ है, हाथ फोल्ड ये हो गया। देखिए एक एक फिंगर बनाने की ज़रूरत नहीं है, अगर ज़्यादा फिंगर्स कोई इसमें डिटेलिंग्स देंगे तो ये एक्चुअली जो है ड्राइंग आपका जो है पहले से ही छोटा है। अब छोटे ड्राइंग में ज़्यादा डिटेलिंग नहीं हो तो ज़्यादा अच्छा है, बस इसमें ये एक डिग्री इनको मिला, इस डिग्री को पकड़ के ये स्टूडेंट यहाँ खड़ा है, ये हो गया हाथ। अब देखिए कि मैंने एक एक फिंगर नहीं बनाया, बस सिर्फ अंगूठा बनाया और फिंगर के लिए जगह दे के रख दिया है। इसी तरह से बनाते जाना, बस सिर्फ लाइन का खेल है, कभी इधर से कभी इधर से ये। अब देखिए लेग बनाना कितना आसान है, दो पैरेलल लाइन खींच दीजिए, यहाँ पर भी पैरेलल लाइन खींच दीजिए, यहाँ जूता बनाने के लिए गोल हल्का सा राउंड करते हैं, यहाँ एक यहाँ ट्रायंगल शेप में कर दिए, ये बन गया जूता। बस इसी तरह से यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स मैंने बनाए सबको इसी तरह करते जाना है। लेकिन हाँ देखिए स्टूडेंट्स आगे हैं, इसके पीछे भी स्टूडेंट्स हैं, तो जो स्टूडेंट्स सामने हैं इसको थोड़ा और भी ज़्यादा क्लियर से मैं बना रहा हूँ। देखिए इसमें हाथ का फोल्ड कर दिए, ये सीधी लाइन दे दिए, ऐसे एक डिग्री इनको मिल गया, ये हैंड बन गया, फिर यहाँ से सीधा लाइन खींचेंगे, फिर ये हो गया ट्राउज़र, ये ट्राइंगल शेप में बना दिए जूता। यहाँ पर भी इसी तरह से सबसे पहले टोपी को ही बना लेते हैं। चलिए ये फेस देखिए, फेस में मैंने आई नोज वगैरह कुछ भी नहीं बनाया है, अभी सिर्फ एक जगह लेके रखा हुआ है, किसी नहीं यहाँ पर आईब्रो ये सब बनाएंगे, नोज बनाएंगे, ईयर तो खैर मैंने बना ही दिया है। ऐसे हैंड बन गया, यहाँ से घुमाएंगे, ऐसे ये फोल्ड कर दिए और यहाँ एक डिग्री पकड़ा दिए, ऐसे ये बीच में ये पार्टीशन हो गया शर्ट का, इसके नीचे में फिर उसी तरह से एक ट्रायंगल के शेप में जूता बना दिए, ऐसे। देखिए ये सब आदमी को मैंने एक लाइन से खड़ा किया है, तो आप भी देख रहे होंगे सामने वाला बड़ा, इसे छोटा, इसे छोटा, और अगर बना तो इससे छोटा होता है, इस तरह करके देख रहे हैं, सामने वाला आदमी जो भी दिखेगा बड़ा दिखेगा। अब देखिए कि इसके पीछे भी मैंने बनाया हुआ है, तो पीछे वाले को जो है सिर्फ हेड क्लियर नज़र आएगा, ऐसे, और बाकी के लिए थोड़ा बहुत जगह मिल रहा है तो बना दीजिए। देखिए थोड़ा सा यहाँ पैर, ऐसे जितना एरिया दिखेगा उसी को दिखाना है। इसीलिए ही मैं हमेशा से बोलता हूँ स्टूडेंट को कि जो भी ऑब्जेक्ट है, जो कुछ सामने है, उसको आपको पहले बनाना है। इसके पीछे वालों को हाइड कर दीजिए, बस ये लगना चाहिए कि नहीं यहाँ पर इतने सारे स्टूडेंट्स हैं। यहाँ एक और यहाँ बना देते हैं, चलिए इसी तरीके से एक शेप है, इस शेप को पैरेललोग्राम
ऐसे बोला जाता है। इसके बारे में अदर वीडियो जो मैं आपको मिल जाएगा, और अगर मैं इस चीज़ को बार बार कर रहा हूँ, अगर और भी डिटेल से जानना है तो ज़रूर आप लोग इस बारे में कुछ बोलिए, कमेंट करिए। मैं ये सबसे रिलेटेड अदर वीडियोज भी बनाऊंगा जिसमें सारे बातें बताई जाएंगी कि कौन सा शेप क्या है, कौन कितने तरह के बेसिक शेप्स हैं, कितने बेसिक लाइंस हैं। देखिए ये जो लेग का लेवल को मैं बराबर कर दे रहा हूँ, देखिए यहाँ से ऐसे। अब इसमें थोड़ा और ज़्यादा डिटेलिंग करते हैं, जैसे कि नोज और जो लिप्स वगैरह बनाने के बाद मैंने किया था, तो ऐसे थोड़ा सा एक पॉइंट दे दीजिए, लगने लगेगा कि एक आदमी है। थोड़ा और इनलार्ज करके मैं बता रहा हूँ, देखिए ये तो फोरहेड थोड़ा सा ढक गया, ये बन गया नोज, ये बन गया लिप्स, आईब्रो, आई। इसी तरह से इसमें भी ऐसे आईब्रो, आई। ये सब मैं छोटा छोटा सा पीछे वाले में जिसमें दिख सकता है उसी में दिखाइए। तो ये ड्राइंग तो बन के कम्प्लीट हो गया। अब इसमें देखिए कलर भरेंगे, देखिए ये तो अब ऐसे बन के कम्प्लीट हो गया है, लेकिन इसका पहले का कुछ प्रोसेस मैं आपको बता नहीं पाया। देखिए पहले मैंने हल्के पेंसिल से बना लिया है, देखिए जहाँ तक आपको दाग भी नज़र आएगा, हल्के पेंसिल से बनाया है, उसके बाद जेल पेन से आउटलाइन कर दिया है। देखिए ये इसको इसलिए मैंने ऐसा किया क्योंकि आपको स्कूल का कोई प्रोजेक्ट वगैरह का मान लीजिए काम ये सब मिलता है, तो एक चीज़ होता है जल्दी से इसको करना है, तो जल्दी करने के लिए ही मैंने ऐसा किया है। ऐसे तो वाटर कलर से पेंटिंग कर दिया जाए तो और भी अच्छी से होगा, लेकिन ये सब सामान इजीली अवेलेबल है। ये हो गया पेंसिल, जेल पेन हो गया, ये सब ये आपका पेंसिल का हर बच्चे के पास होता है। तो पहले मैंने सबसे पहले पेंसिल से तो आउटलाइन कर लिया, उसके बाद मैंने फिर इसके ऊपर जेल पेन चलाया। इसके बावजूद आपको दिखेगा कि पेंसिल का दाग कहीं कहीं नज़र आ रहा है। तो अब आप इरेजर भी आप यूज कर सकते हैं, इरेजर यूज करके आप अगर ये जो पेन का जो दाग है इसके ऊपर भी चला देंगे, लेकिन इसके तो वो रह जाएगा, पेन का दाग रह जाएगा और पेंसिल का दाग ये मिट जाएगा। तो थोड़ा ऐसा करने से साफ हो जाता है और थोड़ा क्लियर हो जाता है पिक्चर। देखिए इसको सीधा मैं चला दे रहा हूँ, देखिए इरेजर है लेकिन फिर भी नहीं मिटेगा, मिटेगा आपका जो अंदर का पेंसिल का जो दाग है वही बस मिटेगा, और जो मैंने जेल पेन से आउटलाइन करके उगा के रखा ये नहीं मिटेगा। इससे क्या है कि पिक्चर और थोड़ा क्लियर आपको नज़र आने लगेगा। देखिए यहाँ पर भी एक्स्ट्रा लाइन्स अपने आप ही हट जाएंगे। इस तरह से देखिए सारे एक्स्ट्रा लाइन्स मैंने हटा दिया। अब इसको पेंसिल कलर से कलर भर देंगे। कलर भरने के लिए आपको पर डिपेंड करता है कैसे भी भरें, लेकिन ऐसे भी चीज़ होते हैं कि कुछ कुछ फिक्स कलर, जैसे स्काई है तो स्काई के लिए स्काई ब्लू होगा, और अगर ट्री है तो ग्रीन होगा, स्किन का कलर है तो फ्लैश टिंट होगा, ड्रेसेस हैं तो अलग अलग कलर आप बना सकते हैं। देखिए जैसे कि मैंने स्काई से शुरुआत कर रहा हूँ, सिर्फ इसमें आप ऐसे कर करके भरते जाइए, लेकिन ध्यान रखिए कि जो आउटलाइन पोर्शन है वहाँ से शुरुआत करिए आप। ऐसे आउटलाइन पोर्शन से शुरुआत करने से क्या है कि कलर जो है जनरली अंदर या बाहर नहीं जाता है। जैसे कि मेरा एरिया ये स्काई का है, तो स्काई और ये स्कूल का एरिया है, तो स्काई वाले एरिया में ही आपको बस भराएगा। आप ऐसे भरते जाइए। अब इसमें डार्क कैसे करना है, लाइट कैसे करना है, जैसे पेंसिल कलर ही है, इसको लाइट करने के लिए मान लीजिए हल्का हमको करना है, तो हल्का करने के लिए हल्का से ही आप इसमें प्रेशर डालिए, और अगर ज़ोर से प्रेशर डालेंगे तो डार्क भी चलेगा। तो लाइट डार्क करना ये आपके हाथ में है। अगर आपके पास बहुत सारा कलर नहीं है, देखिए मेरे पास 12 का ही सेट है अभी फ़िलहाल, तो 12 के सेट में ही बहुत सारा काम आप कर सकते हैं, एक ही कलर को लाइट भी कर सकते हैं डार्क भी कर सकते हैं। अगर हल्का से प्रेशर देंगे तो लाइट होगा, ज़ोर से प्रेशर देंगे तो डार्क होगा। लेकिन हाँ थोड़ा आपको ध्यान ये रखना है कि डायरेक्शन एक रखना है,
देखिए जैसे कि मैं डायरेक्शन सब जगह एक समान रख रहा हूँ तो थोड़ा दिखने में ही अच्छा लगेगा। आउटलाइन पर ख़ास तौर पर ध्यान रखना है। देखिए ये आसमान भर गया। अब इसके पीछे ट्री भी हम दिखा सकते हैं। ट्री दिखाना है तो देखिए दो कलर कैसे जनरली हम यूज करते हैं, लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन। पर डार्क ग्रीन का सेट दे दीजिए। अब ट्री को रैंडमली आप स्क्रिबलिंग के थ्रू इधर उधर घसका के कर सकते हैं, जैसे कि लीफ का इफेक्ट आने लगता है। थोड़ा मैं और इनलार्ज करके बता रहा हूँ। देखिए इसमें लीफ का इफेक्ट अगर आप लाना चाह रहे हैं तो आप रैंडमली इधर उधर आप खसकाते जाइए। अब आपको जैसे लाइट ग्रीन इसी के ऊपर में, इसी के ऊपर डायरेक्ट नहीं, सिर्फ इसके बाहर बाहर तरफ जहाँ ज़्यादा घना होता है वहाँ डार्क हो जाता है, और जो एरिया बाहर की तरफ निकलता जाता है वो लाइट हो जाता है। तो देखिए ये आपको ट्री का लुक देने लगा। अब ये एरिया तो छोटा है तो ब्रांचेज बनाने के लिए जगह नहीं है, फिर भी आप चाहें तो बना सकते हैं। देखिए ब्रांच बनाने के लिए आपका पास ब्राउन कलर है, ब्राउन कलर से बस दो तीन लाइन आप दे दीजिए। ये ब्रांच का लुक आ जाएगा। अब इसके बाद